नमस्कार दोस्तों, मैं मीना पांडे आज आपको अपने ग्राउंड फ्लोर की जो गार्डनिंग है उससे आपको उसका ओवरव्यू दिखाने जा रही हूँ। तो आपको पता ही है, जैसा कि मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर गार्डनिंग कर रखी है, और ये जो जो मेरा ग्राउंड फ्लोर का गार्डन है इसमें लॉन भी है और ये मैंने एक वर्टिकल गार्डन बनाया है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये गेट के ऊपर, गेट पर मैंने एक मनी प्लांट लगाया है। इस सीज़न में मनी प्लांट बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, काफ़ी मनी प्लांट्स लगाए हुए हैं। ऊपर अडेनियम रखे हैं, अभी तक तो फ्लावरिंग कर रहे थे, अब इनकी फ्लावरिंग कुछ कम हो गई है। और ये अब बारिश से बचाने के लिए मैंने यहाँ रखे, क्योंकि ये शेड है यहाँ पर। और यहाँ ये देखिए, कुछ मेरे कैक्टस प्लांट्स, सेकुलेंट्स हैं। और ये एक जेनेडो, इस एक जेनेडो था उससे मैंने तीन चार बना दिए हैं। देखिए ये की जो बेबी बर्ड्स निकले उससे, ये देखिए, ये मेरा उससे बना हुआ प्लांटर है ऑयल कैन से। और इसमें मैंने टर्टल वाइन लगाई है। इधर देखिए, ये मेरे जेड प्लांट काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, और मैंने इसमें से कुछ जेड्स निकाल करके उनकी बोनसाई तैयार करने की अभी कोशिश की है। ये मेरे पिछले बारिश में लगा हुआ बुगनविलिया का की कटिंग है, जो अब अच्छी खासी हो गई है। इस समय ये पीले रंग का है, ये पीले रंग का है, और ये एक रानी कलर का। ये देखिए कोलियस कितनी पूर्ण आभा पर है। और ये देखिए, जेड एक और है। मैंने तीन चार जेड्स के ये प्लांट्स वाली हैंगिंग बास्केट बनाई है, और इन्हीं में से मैं शिफ्ट करती रहती हूँ फिर कटिंग। एक सकुलेंट है देखिए, और ये तो आपको चिरपरिचित मेरी पान की बेल है, जो बारिश में काफ़ी अच्छी हो जाती है। वैसे हर सीज़न में रहती है, पर बारिश में काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट इसके पत्ते हो जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने बॉटल्स से अपना एक हैंगिंग प्लांटर बनाया है। और इधर मेरी जो वर्टिकल गार्डन है, ये भी इसमें भी कुछ प्लांट्स हैं। कैलेडियम देखे कितने खूबसूरत हो रहे हैं, और मनी प्लांट इसमें भी, ये झूला है, जो झूले के स्टैंड में मैंने दोनों ओर मनी प्लांट्स टाके हैं। और इधर ये भी मेरा ये ग्राउंड फ्लोर का गार्डन देखे, इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं। मैं इनका सिंगल सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये देखिए, फन की ये दूसरी वैरायटी, ये मेरा येलो टिकोमा है, येलो कलर का, अभी फ्लावरिंग करेगा पहली बार। इधर गुड़हल के पौधे हैं, इधर मैंने मिक्स करके कोलियस लगा दिए हैं। डिफरेंट वैरायटीज हैं देखिए, ये अलग अलग तीन चार प्रकार के कोलियस लगाए हैं। इधर देखिए, ये मेडिसिनल प्लांट है अश्वगंधा, और बीच में इसके एक क्रोटन है ये। और देखिए, अब मैं आपको इनको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। नाम तो इनके सब ये रिपीट हो रहे हैं, सारे पौधे मैं बता चुकी हूँ इनके नाम आपको। ये देखिए, पोनीटेल, लेडी पाम, 4 o'clock है, शाम को खिलता है, ये कोलियस है। और इधर देखिए, मेरे ये एक बेल मैंने इसकी कटिंग पिछली बार लगाई थी बारिश के सीज़न में, और ये काफ़ी बड़ी हो गई है। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, गमले से उतार करके इसे ज़मीन में डाल दिया है, तो थोड़ा सा इस समय मुरझा सी गई है, तीन चार दिन हो गए। वैसे सूखी नहीं है, इसका मतलब ये फिर से चल पड़ेगी। और ये मेरा यहाँ पर ये मोगरा का फूल है, इधर देखिए मिर्च हो रही है पौधे में। और ये मैंने साइज मोरंगा लगवाया है यहाँ पर, इसकी कटिंग अच्छी चल रही है। और इस तरह से ये मेरा पूरा गार्डन है। ऊपर को देखिए, यहाँ से गिलोई जा रही है, और यहाँ से फिर ऊपर को मेरा सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का गार्डन। हल्का सा ओवरव्यू आपको दे दूँ तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स भी कीजिए, ताकि हम जैसे जो गार्डनर्स हैं उनका मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद।